इनमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सही ऑप्शन को चूज करना है और उसके सर्कल को डार्क करना है तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर हरप्पन्स यूज टू इम्पोर्ट कॉपर कॉपर को इम्पोर्ट करने के लिए जो हरप्पन्स लोग थे वो कौन से स्टेट्स uh, से वो मतलब लेते थे इम्पोर्ट करते थे राजस्थान केरला पंजाब एंड बिहार कौन सा वो स्टेट था हमने वर्कशीट में समझा भी था वो है राजस्थान फिर है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज लोथल सिटी सिचुएटेड इनमें से किस स्टेट में लोथल सिटी सिचुएटेड है पंजाब हरियाणा राजस्थान और गुजरात राइट आंसर इज गुजरात फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज लोकेटेड नियर द मोहनजोदारो सिटी मोहनजोदारो सिटी के पास कौन सी रिवर थी मतलब वो किस रिवर के निकट जो है वो लोकेटेड था रावी चेनाब झेलम और सिंधु राइट आंसर इज सिंधु ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड द हरप्पन इंपोर्ट टिन मेटल इनमें से किस कंट्री से टिन को वो इंपोर्ट करते थे हरप्पन लोग चाइना ओमान आयरन ईरान और अफ्रीका तो राइट आंसर इज बी ओमान अब कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ एनी टू मेन सिटीज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन तो दो मेन सिटी लिखनी है हरप्पा एंड मोहिंजो दाड़ो आर द टू मेन सिटीज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन फिर इसके बाद है फ्रॉम वेयर वर प्रेशियस स्टोन्स इंपोर्टेड इन हरप्पन सिविलाइजेशन प्रेसिस जो कीमती स्टोन्स होते थे बहुमूल्य पत्थर वो कहाँ से इंपोर्ट करते थे देखिए हरप्पन पीपल गेट दियर प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम गोल्ड कहाँ से लेते थे कर्नाटका से इंपोर्ट करते थे टिन अफगानिस्तान से और प्रेशियस स्टोन्स कहाँ से इंपोर्ट करते थे वो गुजरात से करते थे उसके बाद है राइट एनी टू सोर्सेज टू नो द पास्ट यानी हिस्ट्री को जानने के लिए इतिहास को जानने के लिए कौन से दो सोर्स आपको बताने हैं किन से हमें पता लगती है हिस्ट्री तो देयर आर टू सोर्सेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेकेंडरी न्यूज़पेपर्स हो गए न्यूज़पेपर पेपर आर्टिकल से हमें हिस्ट्री पता चलती है डायरीज अगर किसी की मिलती हैं एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई से भी हमें पता चलता है कि हिस्ट्री कैसी थी फिर उसके बाद है हाउ वॉज़ द डिविजन ऑफ सिटीज़ इन हरप्पन सिविलाइजेशन हरप्पन सिविलाइजेशन <perfekt civilization> में सिटीज का डिवीजन कैसे था देखिए द हरप्पन सिटी वाज डिवाइडेड इनटू अपर टाउन आल्सो कॉल्ड द सिटाडेल एंड लोअर टाउन ठीक है एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पीपल ऑफ विलेज डू इन हरप्पन सिविलाइजेशन फॉर दियर लाइवलीहुड आपको बताना है कि वहाँ के लोग अपने जीवन जीने के लिए क्या करते थे इन हरप्पन सिटीज द बेसिक ऑक्युपेशन ऑफ पीपल वर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्युपेशन एग्रीकल्चर था सर्टेन पीपल वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग स्पेशल बिल्डिंग बनाने में वो इन्वॉल्व होते थे एंड मैन एंड वीमेन बोथ वर्क एज क्राफ्ट पर्सन एंड मेड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स और जो औरत औरतें और पुरुष पुरुष जो भी थे महिलाएं थीं वो दोनों के दोनों कारीगर के रूप में भी काम करते थे और बहुत सारी चीजों का निर्माण करते थे और फिर है लास्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द ग्रेट बाथ फाउंड इन मोहेंजो दाड़ो आपको मोहेंजो दौड़ो में जो ग्रेट बाथ मिलता है मिला है हमें उसके बारे में डिस्क्राइब करना है तो लेट्स सी तो देखिए इसका आंसर ये हो सकता है द ग्रेट बाथ वॉज द मोस्ट इंप्रेसिव बिल्डिंग स्ट्रक्चर फाउंड इन द दिटेड ऑफ मोहनजोदारो यानी मोहनजोदारो के सिटाडेल यानी ऊपरी शहर में जो ऊपरी हिस्सा था शहर का वहां पर एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग स्ट्रक्चर पाया जाता था जिसको हम ग्रेट बात कहते थे इट इज अ रेक्टेंगुलर इन शेप आयताकार होता था जस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल की तरह इट वॉज मेड ऑफ बेग्ड ब्रिक्स और वो पक्की हुई ईटों से बनता था अ लेयर ऑफ टार एंड बिटूमन वॉज यूज टू मेक इट वाटर टाइट और उसको कोल uh, तार होता है ना जैसे और बिटूमन मतलब कोयला वगैरह ये सब मिला के उसको बहुत ऐसा बनाया गया था वाटर टाइट ताकि उसमें से वाटर ना निकल सके इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय